देखो, अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लासिफिकेशन ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ अमाइनो अमाइनो एसिड का क्लासिफिकेशन देखना है अब हमें, ठीक है। अमाइनो एसिड का क्लासिफिकेशन, तो बहुत ध्यान से इसको समझने की कोशिश करिएगा। घंटों की बात मिनटों में लाने की कोशिश किए हैं, मिनटों की बात सेकंडों में डिलीवर करने की कोशिश किए हैं, ठीक है। मस्ट बी कंसंट्रेट टूवर्ड्स द स्क्रीन एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड ईच एंड एवरी ट्रिक ऑफ अमाइनो एसिड, क्लासिफिकेशन ऑफ अमाइनो एसिड। तो अमाइनो एसिड को दो पार्ट में डिवाइड कर देते हैं, नॉन पोलर अमाइनो एसिड एंड पोलर अमाइनो एसिड, नॉन पोलर एंड पोलर अमाइनो एसिड। नॉन पोलर को और क्या कह सकते हैं, हाइड्रोफोबिक। हाइड्रोफोबिक कोई चीज क्यों होती है, जैसे आप लिपिड की बाइलेयर पढ़े थे, याद हो तो लिपिड की बाइलेयर पढ़े थे, तो जो लिपिड की टेल थी, जो लिपिड का टेल है, ये हाइड्रोफोबिक था। इट मींस फियरिंग फ्रॉम वाटर, फियर्स फ्रॉम वाटर, पानी से डरता है। ये हाइड्रोफोबिक क्यों है, क्योंकि ये एक हाइड्रोकार्बन का बना है, यानी कार्बन का बना है, तो हाइड्रोकार्बन का बना होने की वजह से ये पानी से डरता है। तो हाइड्रोफोबिक का मतलब, हाइड्रो का मतलब वाटर एंड फोबिक का मतलब डर, हाइड्रो का मतलब पानी, ठीक, और फोबिक का मतलब डर, फियर, ठीक। और पोलर अमाइनो एसिड क्या होती हैं, हाइड्रोफिलिक अमाइनो एसिड। हाइड्रो का मतलब पानी और फिलिक का मतलब प्यार, यानी पानी से प्यार करने वाली अमाइनो एसिड, और ये पानी से डरने वाली अमाइनो एसिड। अब इंटरव्यूज में पूछे जाते हैं क्वेश्चन, जैसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन की प्रोटीन, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन में पाई जाने वाली प्रोटीन है, कौन सी कोर में होगी, कौन सी बीच में होगी, कौन सी किनारे होगी, ये सब पूछा जाता है। तो ऐसी अमाइनो एसिड जो पानी से डरने वाली या हाइड्रोफोबिक होगी, वो किस में घुसी होगी, वो लिपिड के बाईलेयर में घुसी होगी, लिपिड के बाईलेयर में घुसी होगी, क्योंकि ये भी हाइड्रोफोबिक और ये अमाइनो एसिड भी हाइड्रोफोबिक। यानी ऐसी प्रोटीन जो हाइड्रोफोबिक अमाइनो एसिड की होगी, वो इसके बीच में घुसी होगी, लेकिन जो हाइड्रोफिलिक होगी, इसके हेड की तरफ होगी, क्योंकि ये भी पानी से इंटरेक्ट करता है और हाइड्रोफिलिक भी पानी से इंटरेक्ट करती है। तो ये सब चीजें आपको समझ में आएंगी, ठीक है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन में कौन सी प्रोटीन अंदर धंसी होगी, कौन सी कोर में होगी, कौन सी किनारे की तरफ होगी। जो कोर में घुसी होगी वो हाइड्रोफोबिक होगी, जो किनारे किनारे होगी वो हाइड्रोफिलिक होगी, यानी पानी से इंटरेक्शन करेगी। समझ आ रही बात। तो इसको हम दो भाग में डिवाइड कर देते हैं, दो भाग में, इसको नॉन पोलर अमाइनो एसिड को दो पार्ट में डिवाइड कर देते हैं हम। सबसे पहला है एलिफैटिक अमाइनो एसिड, और दूसरा है एरोमेटिक अमाइनो एसिड, ठीक। एलिफैटिक अमाइनो एसिड और एरोमेटिक अमाइनो एसिड। जो एलिफैटिक है और एरोमेटिक है, एलिफैटिक का मतलब जो कार्बन की लंबी चेन होगी वो लाइनियर होगी, लाइनियर का मतलब ऐसे लाइनियर, कार्बन कार्बन कार्बन। एरोमेटिक, एरोमेटिक कहीं भी होगा, एरोमेटिक रिंग में होगा। देखो, एरोमेटिक में रिंग होगा और डबल बॉन्ड होगा। एरोमेटिक में क्या होगा, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होगा, और एलिफैटिक में कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड होगा। समझ आ रही बात, समझ आ रही ना, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, एरोमेटिक। एरोमेटिक
मोस्टली रिंग में होता है ना, रिंग फॉर्म में होता है। जैसे आप बेंजीन का रिंग जानते हो, तो देखो इसमें बेंजीन में एक डबल बॉन्ड यहाँ, एक डबल बॉन्ड यहाँ, एक डबल बॉन्ड यहाँ, तो ये डीलोकलाइजेशन होता है। ये पाई बॉन्ड यहाँ जा सकता है, पाई बॉन्ड यहाँ जा सकता है, ये पाई बॉन्ड यहाँ जा सकता है, जानते हो ना। तो रिजोनेंस स्ट्रक्चर शो करता है एरोमेटिक रिंग्स, समझ आ रही बात। तो इस टाइप की अमाइनो एसिड केवल तीन होती हैं, अभी समझा रहा हूँ कौन कौन सी। तो एरोमेटिक का मतलब समझ में आया, एलिफैटिक का मतलब समझ में आ गया सबको, आ गया सबको समझ में, बोलो बेटा ठीक। आगे देखो, एलिफैटिक कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, एरोमेटिक कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, एटलीस्ट वन ही एक ही जगह पे कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होगा, होगा जरूर, ठीक है। जो एलिफैटिक अमाइनो एसिड हैं सबको एक बार में याद करते हैं, इसको याद करने का तरीका है फोबिया ऑफ, फोबिया ऑफ वैम, फोबिया ऑफ वैम गर्ल। ये को नहीं दिख रहा है, एक मिनट देख रहा हूँ, ठीक ठीक कर दे रहा हूँ मैं, परेशान ना। और बीच में डाल दे रहा हूँ, परेशान ना हो। दिखा, ठीक, फोबिया ऑफ वैम गर्ल, ठीक, फोबिया ऑफ वैम गर्ल, वैम वी ए एम पी जी आई आर एल गर्ल, ठीक, वैम गर्ल। ध्यान से समझो, इस ट्रिक से आप सारी एलिफैटिक अमीनो एसिड को याद कर सकते हो। कैसे? फोबिया का मतलब होता है डर, तो आप तुरंत समझ जाओगे किसकी बात हो रही है, हाइड्रोफोबिक अमाइनो एसिड की बात हो रही है, हाइड्रोफोबिक में एलिफैटिक की, समझ आ रही बात। फोबिया ऑफ वैम्प, वैम्प एक ऐसी जगह है, समझो बात को, वैम्प एक ऐसी जगह है जिसमें कोई लड़की है, और ऐसी जगह वैम्प का मतलब होता है जो चारों तरफ से बंद हो, चारों तरफ से वैम्प बंद हो, और ये लड़की बंद होने की वजह से डर रही है, क्या कर रही है, डर रही है। तो फोबिया का मतलब डरना, वैम का मतलब ऐसी एरिया जहां पे चारों तरफ से इनक्लोज हो, गर्ल का मतलब लड़की, तो ऐसी लड़की जो चारों तरफ से चार दीवारी में पैक है और वो डर रही है। वी का मतलब है वैलिन, ए का मतलब है एलानीन, एम का मतलब है मैथियोनीन, पी का मतलब है प्रोलीन, जी का मतलब है ग्लाइसीन, आई का मतलब है आइसो ल्यूसिन, एल का मतलब है ल्यूसिन, आइसो ल्यूसिन ल्यूसिन, समझ आ रही बात। तो इसको याद करने की ट्रिक समझ में आई, फोबिया ऑफ वैम्प गर्ल, इसको आप सीधा ऐसे लिख सकते हो इस सेंटेंस के तौर पे, मैंने लिखा नहीं इसलिए क्योंकि अभी जगह कम पड़ जाएगी, तो आप याद कर लीजिएगा, फोबिया ऑफ वैम्प गर्ल, फोबिया कोड्स फॉर हाइड्रोफोबिक अमाइनो एसिड, फोबिया कोड्स फॉर हाइड्रोफोबिक अमाइनो एसिड या नॉन पोलर अमाइनो एसिड, एंड वैम्प गर्ल, वी फॉर वैलिन, ए फॉर एलानिन, एम फॉर मेथियोनिन, पी फॉर प्रोलिन, जी फॉर ग्लाइसिन, आई फॉर आइसोलेसिन, एल फॉर ल्यूसिन, और ये सारी की सारी अमाइनो एसिड सिंगल लेटर कोड उसी से रिप्रेजेंट करती हैं, रिप्रेजेंट की जाती हैं जिस लेटर से ये स्टार्ट हो रही है। जैसे हमारा नाम अमानत है, तो हमको ए सर से, ए सर से जाने आप, समझ आ रही बात। तो वैसे वैलिन को वी से रिप्रेजेंट करते हैं, एलानिन को ए से, मैथियोनिन को एम से, यानी जो जिस लेटर से स्टार्ट है वही लेटर इसका कोड है, समझ आ रही बात। आगे देखते हैं, आगे देखते हैं एरोमेटिक अमाइनो एसिड, एरोमेटिक अमाइनो एसिड को याद करने की ट्रिक है एरोमा ऑफ पाइन, यहां पर छोटा सा लिख लो, एंड
ट्रीज, एरोमा का मतलब एरोमेटिक अमाइनो एसिड, समझ आ रही बात? एरोमा का मतलब एरोमेटिक अमाइनो एसिड, एरोमेटिक अमाइनो एसिड। और पाइन एक प्लांट होता है, पाइन एक प्लांट होता है, टिम्बर का मतलब लकड़ी, ट्री का मतलब पेड़, समझ आ रही बात? यानी पाइन का पेड़ जिसकी लकड़ी महकदार होती है। एरोमा का मतलब खुशबू, एरोमा का मतलब खुशबू, ठीक। तो पाइन के लकड़ी की खुशबू, एरोमा ऑफ पाइन एंड टिम्बर ट्रीज। पी फॉर फेनिल एलानिन, फेनिल एलानिन। एंड टी फॉर ट्रिप्टोफैन, ट्रिप्टो फैन। एंड ट्रीज, एक मिनट, टिम्बर को पहले टायरोसिन को कर लो, टायरो सिन। और ट्रीज का मतलब ट्रिप्टो फैन। ट्रिप्टो फैन के बारे में कोई कुछ बताएगा? मैंने एक बार बताया था आप लोगों को, सबसे कॉम्प्लेक्स अमाइनो एसिड होती है, ठीक, सबसे कॉम्प्लेक्स अमाइनो एसिड होती है ट्रिप्टोफैन। तो इसको याद करने की ट्रिक है, एरोमा ऑफ पाइन एंड टिम्बर ट्री, जिसको सेंटेंस के तौर पे लिख लेना और कुछ नहीं याद करना, सब याद हो जाएगा। लेकिन इसको याद रखना, इसको याद रखना, ट्रिप्टोफैन को रिप्रेजेंट करते हैं डब्ल्यू से, टायरोसिन को वाई से, और फेनिल एलानिन को एफ से। इसको याद करने की ट्रिक है वाइफ, वाइफ, ठीक, वाइफ। अब स्पेलिंग मत मिलाना, वाइफ, मैं इसको वाइफ पढ़ूंगा, ठीक है, वाइफ। तो इसका ट्रिप्टोफैन को डब्ल्यू, टायरोसिन को वाई, टायरो, टायरो वाई, समझ आ रही बात? फेनिल एलानिन फा निकल रहा है तो एफ, फेनिल एलानिन को एफ से रिप्रेजेंट करते हैं, है ना? क्योंकि जब आप आगे क्वेश्चन सॉल्व करोगे सीएसआईआर नेट लेवल का, तो उसमें आपको सीधा एफ लिखा रहेगा, आपको वाई लिखा रहेगा, डब्ल्यू लिखा रहेगा, ये नहीं लिखा रहेगा ट्रिप्टोफैन, टायरोसिन, फेनिल एलानिन, समझ आ रही बात? तो आपको कोड याद होना चाहिए। तो ट्रिप्टोफैन को डब्ल्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, टायरोसिन को वाई से, और फेनिल एलानिन को एफ से रिप्रेजेंट करते हैं। आई थिंक यू आर एबल टू अंडरस्टैंड, समझ आ गई बात? ठीक, आगे बढ़े, आगे बढ़े, किसी को दिक्कत तो नहीं हो रही है समझने में, बता दीजिए, समझ में आ रहा है ना सब कुछ? ठीक, आगे देखिए, ब्रह्मदिन हाफ कहाँ रहे हो भैया, थक गए क्या पढ़ते पढ़ते, थक गए हो ब्रह्मदिन? ठीक है, देखो जो पोलर अमाइनो एसिड है या हाइड्रोफिलिक, ये दो प्रकार की होती हैं, चार्ज्ड अमाइनो एसिड और अनचार्ज्ड अमाइनो एसिड। तो सबसे पहले हम किसको देख लेते हैं, चार्ज्ड अमाइनो एसिड को निकाल करके हम यहां समझ लेते हैं, चार्ज्ड अमाइनो एसिड को निकाल करके हम यहां समझ लेते हैं। चार्ज में दो प्रकार का चार्ज होता है, एक पॉजिटिवली चार्ज, एक पॉजिटिवली चार्ज्ड अमाइनो एसिड, और एक निगेटिवली चार्ज्ड अमाइनो एसिड। पॉजिटिवली चार्ज्ड अमाइनो एसिड और निगेटिवली चार्ज्ड अमाइनो एसिड। पॉजिटिवली चार्ज्ड अमाइनो एसिड को और क्या कह सकते हैं, बेसिक अमाइनो एसिड। इसको क्या कह सकते हैं, एसिडिक अमाइनो एसिड, है ना? और बेसिक अमाइनो एसिड होने का मतलब यह है, यानी जो बेसिक ग्रुप है वो ज्यादा होगा। तो बेसिक ग्रुप NH2 है, यानी अमीनो ग्रुप, यानी NH2 इज मोर देन, NH2 इज मोर देन COOH, तो वो अमाइनो एसिड कैसे होगी? जैसे मान लीजिए एक NH2 होता है और एक कार्बन, एक COO माइनस, और यहाँ पे H। अगर यहाँ पे कार्बन कार्बन कार्बन,
और यहाँ पे भी एक आठ टू एन एस टू ग्रुप जुड़ जाए, तो इसका मतलब क्या हो गया? ये देखो एक कार्बन और लगा दीजिए, इसको काट दीजिए, तो ये क्या हो गया? एन एच टू, ये हो गया लाइसिन, ये हो गया लाइसिन। लाइसिन एक बेसिक अमाइनो एसिड है या पॉजिटिवली चार्ज अमाइनो एसिड है। तो NH2 ग्रुप दो हो गया, तो जब इस पे चार्ज आएगा मान लीजिए सेवन पे, जब ये न्यूट्रल होगी, जब सात पे मान लीजिए ये न्यूट्रल हो रही है, हालांकि सात पे होती नहीं है, तो इस पे प्लस वन चार्ज आ जाएगा, इस पे माइनस वन, और इस पे भी एक प्लस वन चार्ज आ जाएगा, है ना। तो माइनस वन प्लस वन कट जाएगा, माइनस वन प्लस वन कट जाएगा, एक पॉजिटिव चार्ज बचेगा, इस वजह से ये पॉजिटिव चार्ज अमाइनो एसिड हो जाएगी। आगे मैं जब टाइट्रेशन पढ़ाऊंगा तो समझाऊंगा, परेशान ना हो, ठीक, समझ आ रही बात ना? बेसिक क्यों बोल रहे हैं? देखो एसिडिक कोई क्यों होगा? जहां पे COOH इज ग्रेटर देन NH2, यानी वही कंडीशन, अगर साइड चेन में एक आध को COOH ज्यादा हो जाए तो वो एसिडिक अमाइनो एसिड होगी। अब हम पॉजिटिवली चार्ज्ड अमाइनो एसिड को याद कर लेते हैं, ठीक। इसको याद करने की ट्रिक है, लास्ट एक्शन, लास्ट एक्शन, इसको ब्रैकेट में लिख लो, जिसका कोई मतलब नहीं है, मूवी हैड ए, आप सेंटेंस सीधा लिख लोगे तो आसानी पड़ जाएगी, पॉजिटिव मैसेज, पॉजिटिव मैसेज। लास्ट का मतलब लाइसिन, एल फॉर लाइसिन। एक्शन का मतलब आर्जिनिन, ए फॉर आर्जिनिन, और एच फॉर, ये एच फॉर ये मूवी है, इसका मतलब कुछ नहीं। एच का मतलब हिस्टिडीन, ये एक मूवी का नाम है, लास्ट एक्शन मूवी, लास्ट एक्शन एक मूवी का नाम है, सच्चाई है। लास्ट एक्शन मूवी हैड अ पॉजिटिव मैसेज, यानी जो लास्ट एक्शन मूवी है वो एक पॉजिटिव मैसेज देती है। तो एल फॉर लाइसिन, ए फॉर आर्जिनिन और एच फॉर हिस्टिडीन, समझ आ रही बात? और पॉजिटिव कोट्स फॉर, पॉजिटिव ध्यान दीजिएगा, पॉजिटिव कोट्स फॉर पॉजिटिवली चार्ज्ड अमाइनो एसिड, एनी प्रॉब्लम? तो आपको ट्रिक याद होगी, सारा नाम अपने आप याद आ जाएगा। तो लास्ट एक्शन मूवी हैड अ पॉजिटिव मैसेज, पॉजिटिव कोट्स फॉर पॉजिटिवली चार्ज्ड अमाइनो एसिड। तो पॉजिटिवली चार्ज्ड अमाइनो एसिड तीन प्रकार की होती है, लाइसिन, आर्जिनिन और हिस्टिडीन। जो लाइसिन है इसको सिंगल लेटर के से रिप्रेजेंट करते हैं, आर्जिनिन को आर से रिप्रेजेंट करते हैं, हिस्टिडीन को एच से रिप्रेजेंट करते हैं। एनी प्रॉब्लम यू हैव? समझ आ गई? समझ आ गई बात? देखो इसको रटने बैठ जाओगे ना तो कंफ्यूजिंग हमेशा रहेगा, ट्रिक से याद कर लोगे हमेशा के लिए याद हो जाएगा। इसको याद करो, इसको कैसे याद करोगे? निगेटिवली चार्ज अमाइनो एसिड को, इसको याद करने की ट्रिक है ग्लू, आप जैसे मैं सेंटेंस लिख रहा हूं तो आप पूरा सेंटेंस लिखिएगा, पहले ऐसे लिख लीजिएगा, उसके बाद नीचे उसके इसको शॉर्ट में उठा उठा के लिखिएगा, कंटेन ग्लू, कंटेन एसिड, ग्लू कंटेन एसिड। तो जो जी है ये कोट करेगा ग्लूटामिक एसिड को, ग्लूटामेट या ग्लूटामेट ही कर दो, ग्लूटामेट या ग्लूटामिक एसिड। और ए कोट्स फॉर एस्पार्टेट, एस्पार्टेट या एस्पार्टिक एसिड, ठीक। ये एसिड किसको बताएगा? एसिड कोट्स फॉर नेगेटिवली चार्ज अमाइनो एसिड या एसिडिक अमाइनो एसिड, एंड ए कोट्स फॉर एस्पार्टेट आल्सो, यानी दोनों चीज को बताएगी कि मैं एसिडिक हूं और ए का मतलब एस्पार्टेट है और जी का मतलब ग्लूटामेट है, ठीक। और एस्पार्टेट को, एस्पार्टेट को सिंगल लेटर कोड डी से रिप्रेजेंट करते हैं और ग्लूटामेट को, ग्लूटामेट को ई से रिप्रेजेंट करते हैं। तो आपको इन चार पांच अमाइनो एसिड को जो सिंगल लेटर कोड है
वो अलग है, किसका? ग्लूटामेट का, एस्पार्टेट का, लाइसिन का, आर्जिनिन का, ये चार हो गई। और किसका अलग है? इसका, तीन का, चार तीन सात, सात आपको याद होना चाहिए। और इन सातों के सिंगल लेटर कोड को याद करने की एक ट्रिक मैं अलग से बता दे रहा हूं। वाइफ को नेकलेस दिया, अभी आगे आपको दो अमीनो एसिड और बतानी, तब बताता हूँ। एक एस्पाराजीन है, एक ग्लूटामीन है, तब बताता हूँ, ठीक है? एस्पाराजीन को एन से, ग्लूटामीन को क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, अभी उसको भी बता दूं तब बताता हूँ, ठीक है? तो इतनी ट्रिक तैयार हो गई आपकी। अब अनचार्ज अमीनो एसिड को उठा के देख लेते हैं। अनचार्ज अमीनो एसिड को न्यूट्रल अमीनो एसिड भी कह सकते हैं। न्यूट्रल अमीनो एसिड, न्यूट्रल का मतलब जितना COOH होगा उतना NH2 भी होगा, यानी COOH यानी एसिडिक ग्रुप और बेसिक ग्रुप दोनों बराबर होंगे। तो जब भी न्यूट्रल होगी अमाइनो एसिड, जब भी न्यूट्रल होगी अमाइनो एसिड तो कोई चार्ज नहीं बचेगा, या तो पॉजिटिव निगेटिव चार्ज होगा तो दोनों कैंसिल हो जाएंगे, अमाइनो एसिड न्यूट्रल रहेगी। तो अनचार्ज अमाइनो एसिड में ऐसे अमाइनो एसिड होती हैं जिसमें COOH यानी कार्बोक्सिलिक ग्रुप और अमाइनो ग्रुप दोनों बराबर होता है। समझ आई बात? इसको याद करने की ट्रिक है, कम टेक गैस, कम टेक गैस, मैं इसको कर दे रहा हूं ताकि तीनों शब्द को आप इकट्ठे पढ़ो। सी कोड्स फॉर सिस्टीन एंड टी कोड्स फॉर थ्रियोनीन एंड जी कोड्स फॉर ग्लूटामीन एंड ए कोड्स फॉर एस्पाराजीन एंड एस कोड्स फॉर सेरी। समझ आ रही बात? कम टेक गैस, तो न्यूट्रल अमाइनो एसिड भी आपको याद हो गया। कम का मतलब आओ, टेक का मतलब ले लो, गैस का मतलब गैस, आओ गैस ले लो। समझ आई बात? कम टेक गैस, समझ आई बात? याद हो गया, याद हो गया। अब कुछ स्पेसिफिक अमाइनो एसिड हम आपको बताने वाले हैं जो क्या हुए हैं, कुछ स्पेसिफिक टाइप की होती हैं, है ना? जैसे ये जितनी अमाइनो एसिड हैं इसमें सेलेनोसिस्टीन और पाइरोलाइसिन का जिक्र नहीं हुआ है, जिसका जिक्र मैंने आपको पहले ही कर दिया है। सेलेनोसिस्टीन और पाइरोलाइसिन का यहाँ पे मैंने कर दिया, ठीक है? आगे देखिए, अक्सर आप किताबों में देखोगे तो मिलेगा 20 स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड होती हैं, लेकिन अब 22 होती हैं, ठीक है? आपको पता हो गया 22 कौन कौन सी हैं। अब इन्हीं 20 अमाइनो एसिड में से मैं निकाल निकाल के बता रहा हूं कैरेक्टरिस्टिक फीचर के आधार पे कि कौन अल्कोहलिक है, कौन एमाइड अमाइनो एसिड है। ये सब चीजें अगर आप जानते रहोगे तो डायरेक्टली क्वेश्चन आएगा, आप सॉल्व कर ले जाओगे। तो सल्फर कंटेनिंग अमाइनो एसिड सबसे पहले देख लेते हैं। सल्फर कंटेनिंग अमाइनो एसिड, सल्फर कंटेनिंग अमाइनो एसिड कौन कौन सी हैं? इसको याद करने की ट्रिक है SCM, सप्लाई चेन मैनेजमेंट। इसको मैं फुल फॉर्म लिख दूं, सप्लाई चेन मैनेजमेंट। ये यस कोड फॉर सल्फर कंटेनिंग अमाइनो एसिड। अब इसी को मैं ओपन करके लिख दूं, SCM, एस कोड्स फॉर एंड सी कोड्स फॉर एम कोड्स फॉर, ठीक? जो यस है ये बताएगा सल्फर वाली हूं मैं, सल्फर वाली अमाइनो एसिड हूं मैं, तो यस को हटा दो। जो सी है वो बताएगा मैं सिस्टीन हूं, तो सिस्टीन में साइड चेन में सल्फर होता है, अभी मैं आगे फिगर दिखाऊंगा। और ये एम फॉर मेथियोनिन, तो कभी क्वेश्चन पूछ ले सल्फर कंटेनिंग अमाइनो एसिड कौन सा सही है, तो दो दो अमाइनो एसिड साथ में दे देगा, सिस्टीन, एस्पाराजीन, ग्लूटामीन, मेथियोनिन, एक जगह ऑप्शन दे देगा सिस्टीन और मेथियोनिन। तो दो अमाइनो एसिड ऐसी हैं जो सल्फर कंटेनिंग अमाइनो एसिड हैं, यानी इनकी साइड चेन में क्या होता है, सल्फर होता है। और एक चीज बता दूं स्पेशली, ये जो सिस्टीन है ना, ये हार्डेस्ट अमाइनो एसिड है। क्या है? हार्डेस्ट अमाइनो एसिड है ये। अमाइनो एसिड जिस प्रोटीन में होगा वो हार्डेस्ट अमाइनो एसिड होगा। जैसे आप ये किरेटिन, जैसे किरेटिन प्रोटीन जानते हैं, किरेटिन प्रोटीन जो बाल की प्रोटीन है, जिससे बाल बना है, किरेटिन प्रोटीन जिससे आपका नाखून बना है, तो मैं लिख दूं हेयर, नेल, और क्या है, हेयर हो गया, नेल हो गया, और हूफ हो गया,
और हॉर्न हो गया। हूक का मतलब खुर और हॉर्न का मतलब सींग है ना, हॉर्न का मतलब सींग, हॉर्न एच ओ आर एन, एच डबल ओ एफ, नेल एन ए आई एल, नेल एच ए आई आर, हेयर, ठीक, हेयर, नेल, हूक और ये क्या है हॉर्न, सींग, समझ आ रही बात। तो सींग ये सब किसके बने होते हैं, केराटिन प्रोटीन के, और केराटिन प्रोटीन में क्या होता है ज्यादा, सिस्टीन होता है जिसकी वजह से हार्ड होते हैं, समझ आई बात, ठीक है। तो कभी पूछ ले कि बताओ जो भैंस का खुर है वो हार्ड क्यों होता है, तो बता देना केराटिन प्रोटीन की वजह से, और ये पूछ ले केराटिन प्रोटीन हार्ड क्यों होती है तो बता देना सिस्टीन की वजह से, समझ आ गई बात। अगला देखिए अमाइड अमाइनो एसिड, अमाइड अमाइनो एसिड यानी जो अमाइन ग्रुप है वो एमाइड ग्रुप में बदल जाए तो एमाइड अमाइनो एसिड कहलाएगा। ये कौन कौन सी होती हैं एमाइड अमाइनो एसिड, एमाइड अमाइनो एसिड को भी याद करने की ट्रिक है ग्लू, ग्लू कंटेन एसिड। ग्लू का मतलब जानते हो, जो आप गम खरीदते हो, दुख वाला गम नहीं चिपकाने वाला गम, ठीक, उसी को ग्लू भी कहते हैं। तो ग्लू कोड्स फॉर ग्लूटामिक एसिड, अभी आप पढ़े थे ग्लूटामेट, यहां पे क्या पढ़ोगे ग्लूटामिन, ग्लूटामिन ग्लूटामेट से ही बनता है, ग्लूटामिन और एस्पार्टेट पढ़े थे, अब इसका मतलब समझ लो एस्पाराजिन भी होता है, एस्पाराजिन, ठीक, ग्लूटामिन और एस्पाराजिन। तो ग्लू कंटेन एसिड से आप दो चीज याद करोगे, एमाइड अमाइनो एसिड और एसिडिक अमाइनो एसिड, उसी एसिडिक अमाइनो एसिड का मॉडिफिकेशन है ये, यानी थोड़ा सा चेंज होता है ये बन जाता है, जब स्ट्रक्चर दिखाएंगे तो समझ में आ जाएगा। एमाइड अमाइनो एसिड और एसिडिक अमाइनो एसिड दोनों को याद करने की ट्रिक एक है, ग्लू कंटेन एसिड, समझ आ रही बात। अगला देख लीजिए, एक हमने आपको शुरू में बताया था इमीनो एसिड, इमीनो एसिड, इमीनो एसिड का मतलब जो एमिनो ग्रुप है, जो एमिनो ग्रुप है वो इमीनो ग्रुप में बदल जाता है, जैसे हमने आपको बताया था H2N प्लस, H2N प्लस CCOOH एंड CH2, ठीक। तो ये साइड चेन जो आ रही थी वो फिर से इसे जाके जुड़ गई, तो एमिनो ग्रुप को इमिनो ग्रुप में बदल देता है, इस वजह से इस अमाइनो एसिड को इमिनो अमाइनो एसिड कहते हैं, जिसका नाम है प्रोलीन। तो प्रोलीन क्या है, एक इमिनो एसिड है, प्रोलीन क्या है, एक इमिनो एसिड है, समझ आ रही बात। अगला देख लीजिए हाइड्रोक्सिल कंटेनिंग अमाइनो एसिड, हाइड्रोक्सिल, हाइड्रोक्सिल कंटेनिंग अमाइनो एसिड, हाइड्रोक्सिल कंटेनिंग अमाइनो एसिड, या इसी को कह दीजिए एल्कोहलिक अमाइनो एसिड, एल्कोहलिक ग्रुप है ना, हाइड्रोक्सिल ग्रुप क्या है OH है, एल्कोहलिक अमाइनो एसिड। तो एल्कोहलिक अमाइनो एसिड कौन कौन होते हैं, थ्रियोनीन, इसको रख लेना, थ्रियोनीन और सेरीन। देखो ये जो थ्रियोनीन सेरीन ये सब इसमें है, देखो ये सब इसमें है, अभी ग्लूटामिन की बात किए थे, एस्पाराजिन की बात किए थे, ये दोनों क्या है एमाइड अमाइनो एसिड, एस्पाराजिन और ग्लूटामिन एमाइड अमाइनो एसिड, थ्रियोनीन और सेरीन ये क्या है, थ्रियोनीन और सेरीन क्या है, एक एल्कोहलिक अमाइनो एसिड है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। और ये जो प्रोलीन है, कहाँ गया प्रोलीन, प्रोलीन इसमें होगा, ये जो प्रोलीन है ये क्या है, एक इमीनो एसिड है, क्योंकि इसका साइड चेन जाके जुड़ जाता है, समझ आ रही बात, समझ आ रही है। ये आर्जिनिन और हिस्टिडीन, आर्जिनिन और हिस्टिडीन सेमी इसेंशियल हैं,
क्या है? सेमी इसेंशियल है। क्या है? सेमी इसेंशियल। अभी आगे बताएंगे, छोड़ हटाओ, अभी इसेंशियल नॉन इसेंशियल बताना भी, ठीक है ना? कन्फ्यूज हो जाओगे आप लोग। तो ये चीजें समझ में आ गई सबको? बताओ, ये चीजें अगर आप आज समझ लिए हो तो आप एक बड़ी अचीवमेंट प्राप्त कर लिए हो, क्योंकि ये अमाइनो एसिड ही नहीं समझोगे तो प्रोटीन क्या समझोगे, है ना? और ये जो कुछ आपको पढ़ा रहे हैं अभी हम ना, ये सब नेट लेवल का है, गेट एक्सेल लेवल का है, ये सब पीजीटी टीजीटी केबीएस एमबीएस जैसे में पूछा नहीं जाएगा। समझ आ रही बात? सुनाई दे रहा है? ये थोड़ा सा एडवांस लेवल का पढ़ा दे रहे हैं, क्योंकि हम सोच रहे हैं बायोकेमिस्ट्री सही से जल्दी समझ में नहीं आती है, तो सोच रहे हैं बायोकेमिस्ट्री को थोड़ा ज़्यादा पढ़ा दें, है ना? थोड़ा लेकिन टाइम लगेगा, बर्दाश्त करिएगा आप लोग, नहीं कहो सर जी एक महीना डेढ़ महीना बायोकेमिस्ट्री पढ़ा दिए, है ना? तो टाइम लगेगा, धीरे धीरे पढ़ाएंगे। अभी एक ही दिन में ज़्यादा पढ़ा दें तो और भी नहीं समझ पाओगे। पढ़ाने की स्पीड तो मैं इससे भी तेज कर सकता हूँ, लेकिन लिखने की स्पीड इससे और ख़राब हो जाएगी। आप लोग जानते हो राइटिंग मेरी बड़ी शानदार है, है ना? जो देखता है वही नज़र लगा देता है, तो मैं क्या करूँ? ठीक है, समझ आया?